नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेले के तहत करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी विभागों और संगठनों के नए भर्ती किए गए लोगों के साथ बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 71,000 युवाओं को रोजगार मेले के तहत जॉब अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने लाभार्थियों से बात की। पीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये 2023 का पहला रोजगार मेला है। नए साल की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई है। क्षेत्र बहुत आगे बढ़ रहा है। पिछले 8 वर्षों में व्यापक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से रोजगार के लाखों अवसर बने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 लाख करोड़ का निवेश रोजगार की अपार संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। आप जानते हैं कि जब एक नई सड़क बनती है तो उसके आसपास कैसे रोजगार की भी नई राह बनने लगती है। उसी सड़क के किनारे नए बाजार खड़े हो जाते हैं, तमाम तरह की दुकानें खुल जाती है। सड़क होने की वजह से किसानों के उत्पाद आसानी से बाजार तक पहुंचने लगते हैं। इसी तरह जब कोई जगह नई रेलवे लाइन से कनेक्ट होती है तो वहां का बाजार समृद्ध होने लगता है। आवाजाही की सुविधा होने की वजह से पर्यटन का भी विस्तार होने लगता है और इस तरह के हर विस्तार में रोजगार की नई संभावनाएं मौजूद होती है। पीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में लाखों परिवारों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति मिलने वाली है। बता दें कि पिछले साल 2 रोजगार मेलों में पीएम ने 1,47,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए थे और एक समय था जब विभिन्न कारणों से नियमित पदोन्नति भी बाधित होती थी। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव हुए हैं। केंद्र सरकार में भर्ती प्रक्रिया अधिक समयबद्ध और सुव्यवस्थित है। और स्टार्टअप की सफलता ने युवा शक्ति के सामर्थ्य की एक दुनिया भर में पहचान खड़ी की है। साथियों, आप में से ज्यादातर नौजवान बेटे बेटियां बहुत ही सामान्य परिवार से आए हैं। यहां तक पहुंचने के लिए आपने कड़ी मेहनत की है। आपके माता पिता ने भी बहुत कष्ट झेले हैं। आज आपको स्थायी भाव से 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने का अवसर मिला है। लेकिन अपने अंदर उस भावना को हमेशा जिंदा रखें जिसने आपको यहां तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया था। हमेशा सीखते रहें, हमेशा अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहें और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने अक्टूबर 2022 में रोजगार मेला अभियान की शुरुआत की थी, जिसके तहत 10 लाख नौकरियां देने की घोषणा की गई थी। इसके तहत देश भर के तमाम विभागों में खाली पड़े पदों पर युवाओं की भर्ती की जा रही है। पिछले साल केंद्र सरकार ने 2 रोजगार मेलों का आयोजन किया था। इनमें 1,47,000 युवाओं को जॉब अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा चुके हैं। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।